प्रियाज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज की मेरी रेसिपी है सावन स्पेशल, खीर और पूड़े। खीर और पूड़े नॉर्थ इंडिया में बहुत बनाया जाता है, स्पेशली पंजाब में। ये खीर और पूड़े सावन की स्पेशल रेसिपी होती है। इसे बनाना तो आसान है ही, खाने में बहुत ही यमी होती है। खीर को हम ठंडा या गर्म किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे हम मोस्टली घरों में बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूं जो हमारी रेसिपी है, खीर और पूड़े, मालपुआ जिसे हम कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 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 उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और सॉरी, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में एक बेल आइकन भी आएगा, प्लीज़ आप लोग उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं खीर को बनाना। खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक हैवी बॉटम वाले, जो भारी तले वाला बर्तन होता है, उसमें खीर बनाना स्टार्ट किया है। और उसमें 2 लीटर मैंने दूध ऐड कर दिया है। उसके साथ दिया है 1 टोरी चीनी, किशमिश और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके साथ लिया है बादाम, और 1 कटोरी ही मैंने चावल लिए हैं। और मैंने सबसे पहले यहाँ पर बादाम को भिगो लिया है, क्योंकि मैं बादाम को भिगो कर उसका छिलका उतार कर काट कर यूज करने वाली हूँ खीर में। और अब मैंने एक बाउल में चावल को डाल लिया है। चावल को 4 से 5 बार अच्छे से पानी से धोकर उसे भिगो देंगे हम पानी में। पानी में भिगोने के बाद इसको उतनी देर के लिए हम रख देंगे जब तक कि हमारे दूध में उबाल ना आ जाए। देखिए, अब हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने चावल। चावलों का पानी हम निकाल देंगे और खाली चावल इसमें ऐड कर देंगे खीर में। खीर बनाते समय एक ज़रूरी बात ये याद रखिएगा कि जब खीर बनाओ तो उसको बीच बीच में हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और नीचे तले पर चिपक जाएंगे, जिससे खीर अच्छी नहीं बनेगी। जब खीर में एक उबाल आ जाए चावल डालने के बाद, तो उसको कम सेक पर ही मीट बिल्कुल ही कम सेक पर लो फ्लेम पर उसे पकाना है, जब तक चावल अच्छे से दूध के साथ मिक्स ना हो जाए। अब चावल देखिए अच्छे से फूल चुके हैं और मिक्स होने शुरू हो गए हैं दूध में, और इनके साइड पे जो लच्छा बनता जाएगा उसे भी हम साथ साथ में उतार कर खीर में ही मिक्स कर देंगे। इससे फ्लेवर जो होता है वो और भी अच्छा हो जाता है खीर का। अब चावल काफ़ी मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर यानी गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप जो चीनी ली थी मैंने वो ऐड कर दी है। चीनी डालने के बाद भी याद रखिए कि साथ में हिलाना बहुत ज़रूरी है। चीनी डालने के बाद और भी ज़्यादा आपको साथ साथ में हिलाना है खीर को। अब इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही जो मैंने भिगोए हुए बादाम थे उनको छील कर काट लिया है, और उसे भी हम खीर में ऐड कर लेंगे। इसके बाद थोड़ी देर अच्छे से कुक कर लीजिए खीर को, अच्छे से मिक्स होने तक, जब तक चावल इसमें एकदम मिक्स ना हो जाए। लीजिए, हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी है। यमी टेस्टी खीर इज रेडी। इसे पूड़े के साथ कंबाइन करके खाने में, जो पूड़े के साथ जब खाया जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब पूड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है, उसके साथ 1.5 कप मैंने चीनी ऐड की है। सबसे पहले हम चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूड़ा बनाने का बहुत ही इजी वे है, आसान तरीका है सबसे, और ये आटे से बनाया जाता है और तवे पे, इसलिए डीप फ्राई नहीं होता, इसमें तेल भी नहीं होता और मैदा नहीं है, तो इसलिए हेल्दी भी है। चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ लिया है मैंने 2 कप आटा व्हीट फ्लोर, और थोड़ी सी उसमें मैंने सौंफ डाली है 1 चम्मच के करीब। और जब चीनी का मैंने घोल तैयार किया था, वो धीरे धीरे आटे में डालती जाऊंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
एक अच्छा बैटर तैयार करना है जिसमें लम्स ना हो, इसलिए थोड़ा कम कम पानी पहले ऐड कीजिए। एकदम से पानी डालेंगे तो उसमें सारे लम्स बन जाएंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, देखिए एक भी लम्स इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ही बैटर तैयार कर लीजिए और नॉनस्टिक तवा लेकर उस पर थोड़ा सा पहले मैंने तेल लगाया है और उसके बाद ही मैंने फैला दिया है पूड़े को। इसे आप जल्दी से बना सकते हैं और फ्राई तो होंगे ही नहीं है, हेल्दी भी हैं और सावन के महीने को एंजॉय करिए। देखिए कितने आसानी से हमारा पूड़ा बन चुका है। इसे बनाने के लिए हो सके तो नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करिए। हमारे पूड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप सब लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, खीर और पूड़े जो सावन में स्पेशल होते हैं। बारिश का मौसम हो, खीर पूड़े गर्मा गर्म हो, तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो प्लीज़ आप सब लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।